हेलो फ्रेंड्स, इस समय मैं हूँ लंदन के साइंस म्यूजियम में। बहुत ही कमाल की जगह है। यहाँ आकर मुझे पता लगा लंदन आकर हर कोई साइंस म्यूजियम में क्यों आता है। हम साइंस म्यूजियम में आ गए हैं और ये टिकट बनवा ली है। ये टिकट आ गई है हमारी और ये म्यूजियम फ्री है। यहाँ के लंदन के अधिकतर म्यूजियम्स फ्री हैं और वहाँ पर हमारी टिकट स्कैन होगी। ये लिखा है ना टिकट। और ये देखिए, अंदर से इतना खूबसूरत म्यूजियम है, ये साइंस म्यूजियम। तो अब टिकट को स्कैन करवाते हैं, हम अंदर चलते हैं। साइंस म्यूजियम में अंदर घुसते के साथ ही इतने बड़ी बड़ी मशीनें हैं, इंजन्स हैं, स्टीम इंजन हैं और इनके बारे में सब बताया गया है। 1887 में बनने वाला ये इंजन, ये देखिए। और जो स्टीम इंजन है उनके बारे में लिखा हुआ है कि दो स्टीम इंजन एक जैसे भी नहीं होते थे, क्योंकि वो हैंडमेड होते थे। ये सारे इंजन्स देखिए, ये करीब करीब 200, 300, 400 साल तक पुराने हैं। इतने पुराने इंजन और इतने बड़े बड़े बने हुए, और साइंस म्यूजियम में पूरी तरह इनको दिखाया गया है, बहुत बड़ी जगह में। ये देखिए, ये तो मेरे को किसी ट्रेन का ही इंजन लग रहा है। इसमें लिखा है पर्सन्स रेडियल फ्लो स्टीम टर्बाइन 1891। तो इतने साल पहले भी यहाँ पर ऐसी ऐसी टर्बाइंस और ऐसे ऐसे इंजन्स बना करते थे, है ना कमाल की बात। और ये तो देखिए, नीचे कोयला भी पड़ा हुआ है और कोयला से चलने वाला ये बड़ा सा स्टीम इंजन बनाया हुआ है। सामने ये बड़ी सी पुली लगाई गई है, ये पुली शायद इसको कंट्रोल करती होगी। तो इस तरह ये साइंस म्यूजियम बना हुआ है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी तो इसी तरह के इंजन्स बने थे। बोल्टन एंड वॉट मैप द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने वाले इंजन इसी तरह के इंजन थे। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ उस समय करीब करीब 300 साल पहले की बात है, उस समय भी हमारे यहाँ, हमारे संसार में, लंदन जैसी इंग्लैंड में जब इतने बड़े बड़े इंजन्स बना करते थे। आप सोचिए, जब इतने औजार नहीं थे, इतनी मशीन नहीं थी, इतनी बुक्स नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, और इस तरह के इंजन्स बना करते थे। ये है लंदन का साइंस म्यूजियम, जिसने मेरी आंखें खोल दी और ये बताया कि 200-300 साल पहले भी पावर हाउसेस कुछ इस तरह के बनाए थे। ये स्टीम पावर डिपेंडेड ऑन स्प्रेड ऑफ इंजीनियरिंग नॉलेज, हेनरी मॉड्सले नॉट ओनली पायनियर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल मेटल मशीन टू द वेरी हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। सी, इस तरह के इंजन और इस तरह के डिजाइन, ये है लंदन का साइंस म्यूजियम। यहाँ पर जेम्स वॉट की वर्कशॉप दिखाई गई है। किस तरह जेम्स वॉट एक छोटी सी वर्कशॉप में बड़े बड़े इंजन बनाकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेकर आए। जेम्स वॉट एंड ओवर वर्ल्ड, सच कहते हैं, अगर जेम्स वॉट नहीं होते तो इस संसार को इस तरह रेवोल्यूशन करने के लिए बहुत समय लग जाता। ये मिल इंजन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, मिल्स को चलाने वाले इंजन। साइंस म्यूजियम में सोवेनियर कॉइन्स डालकर भी कुछ इस तरह के गेम्स खिलाकर बच्चों की नॉलेज को बढ़ाया जाता है। 1898 में बनने वाला ये हॉरिजॉन्टल इंजन तो जरा देखिए। और ये है रूबी ड्रॉप वॉल्व इंजन, वाओ, कमाल का कमाल। और यहाँ से हमें स्पेस दिखाया जा रहा है कि स्पेस की मशीनरी और इंजीनियरिंग किस तरह की गई।
और अर्थ को रोटेट करने वाला पेंडुलम बनाया गया है यहाँ पर, और दिखाया गया है कि अर्थ किस तरह से रोटेट होती है। वेस्टर्न ऑब्जर्वेटरी स्पेस कॉर्पोरेशन ऑन जर्नी थ्रू द सोलर सिस्टम एंड बियॉन्ड
लाइटें निकल के This wheel shows how the earth rotates on her axis. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। यूरोप में अब मैं और कहां कहां जा रही हूं, कहां की वीडियो पोस्ट करने वाली हूं, इस सब की जानकारी आपको तुरंत मिलेगी। जल्द मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ।